हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अर चैनल पी सी एम बी डिजिटल गुरुकुल बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक हम आज पढ़ेंगे कल हमने प्लियोट्रॉपी पढ़ा था द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ ऑलवेज बीन ए पजल बिफोर द जेनेटिक्स जेनेटिक्स जो लोग हैं जो जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं उनके सामने हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक या क्रोमोजोवल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रैक बैक टू सम ऑफ द सम्स केले आउट ऑफ इनसेट सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है मेल या फीमेल की उसके लिए हम जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो इंसेक्ट्स पर किए थे इनफैक्ट दाइटोलिकल साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेश्स मेड इन नंबर ऑफ इंसेक्ट्स लेट टू डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक एंड क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमने उनके सेल के ऊपर जो है सेल स्टडी ऑफ सेल्स को साइटोलॉजी कहते हैं उस पर इतने सारे ऑब्जर्वेशंस की कि अब हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया है कि क्रोमोजोम से डिसाइड होता है सेक्स डिटरमाइन होता है हैंकिंग 1891 एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रेस किया स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेस इन फ्यू इंसेक्ट्स कि कुछ इंसेक्ट्स में पूरे इन स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया के दौरान एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है और उन्होंने देखा दैट फिफ्टी परसेंट ऑफ स्पर्म रिसीव दिस स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनिस खत्म होने के बाद पचास परसेंट स्पॉम्स को तो ये मिला एक स्ट्रक्चर और पचास परसेंट को नहीं मिला कौन से साइंटिस्ट थे हैंकिंग राइट हैंकिंग अ नेम टू द स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को हैंकिंग ने क्या नाम दिया एक्स बॉडी हालांकि वो इसकी सिग्निफिकेंस नहीं समझा पाए फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय द साइंटिस्ट लेड टू कंक्लूजन दैट द एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वॉज इन फैक्ट अ क्रोमोजोम उन्होंने कहा कि क्या था असलियत में क्रोमोजोम था और इसलिए उस एक्स बॉडी को बाद में हमने नाम दे दिया एक्स क्रोमोजोम फिफ्टी परसेंट क्रोमोजोम के पास एक्स आता है क्योंकि बाकी 50 के पास वाई आता है जैसा हम आज जानते हैं <coughs> इट वॉज ऑब्जर्व डैट इन लार्ज नंबर ऑफ इन्सेक्ट मैं कह रहा सेक्टर डेमिनेशन इज एक्स नॉट यानी कि एक क्रोमोजोम के पास एक्स है और दूसरे क्रोमोजोम के पास जीरो है ऑल एक्ट बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोजोम बिसाइड द अदर क्रोमोजोम्स ही जितने जो हमारे एक्स सेल होते हैं फीमेल के अंदर उसके अंदर जो ग्रामेटिक बात वो कह रहा है कि भाई उसमें ओटोजोम्स के अलावा एक एक्स्ट्रा एक्स होगा हमारे अंदर ओटोजोम्स के अलावा दो एक्स्ट्रा होते हैंजोम्स एक्स एक्स या एक्स वाई ऑन दर एंड एक्सोजोम अगर एग को वो स्पर्म फर्टिलाइज करें जिनके पास एक्स क्रोमोजोम है तो फीमेल के पास तो हम जानते हैं ऑलरेडी एक्स ही होता है तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनकर हमारे सामने आया वो एक फीमेल आया राइट right? और जिनके पास नहीं था ये वो मेल आया तो बाद में पता चला जिनके पास ये नहीं था उनके पास बाईक था डू यू थिंक नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन मेल एंड फीमेल ये ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स क्रोमोजोम इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इट वॉज डेजिनेटेड टू बी सेक्स क्रोमोजोम क्योंकि एक्स एक्सक्रोमोजोम के अंदर इन्वॉलमेंट थी एक्स एक्सक्रोमोजोम की इन्वॉलमेंट थी सेक्स डिटर्मिनेशन में तो उसे सेक्स क्रोमोजोम कहा गया और बाकी जो क्रोमोजोम्स इस प्रक्रिया में कोई मदद नहीं कर रहे थे उन्हें ओटोजोम्स कहा गया तो ग्रास ओपर इज ए एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच मेल्स हैव ओनली वन एक्स एक्सक्रोमोजोम बिसाइड द ओटोजोम कि मेल के पास वहाँ पर ग्रास ओपर के केस में मेल्स के पास एक एक्सक्रोमोजोम है जबकि फीमेल के पास ओटोजोम्स के अलावा एक पूरा पेयर है और ये इस तरीके का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू तो द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए नंबर ऑफ स्पीसीज टू तो अंडरस्टैंड इसके बाद फिर बहुत सारी स्पीसीज़ पे हमने यही एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग मेन हमारे अंदर एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखा गया जिसमें यह देखा गया कि मेल्स के पास एक, एक एक्स एक्सक्रोमोजोम प्रेजेंट है लेकिन दूसरा काउंटर पार्ट छोटा है और वो वाई है जबकि फीमेल में दोनों ही एक्स एक्सक्रोमोजोम है राइट right? ड्रोसोफिला की अगर हम बात करेंगे और ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो दोनों ही केसेज में मेल हैव एक्स एंड वाई क्रोमोजोम एज फीमेल हैज पेयर ऑफ क्रोमोजोम जिसको आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये मेल है क्योंकि इसमें एक्स वाई है ये फीमेल एकस एकस है एक्स एक्स है ड्रोसोफिला में ये मेल है क्योंकि एक्स वाई है और एक्स एक्स है तो ये फीमेल है जबकि हेन के केस में उल्टा है कि मेल में दोनों सेम क्रोमोजोम होंगे और फीमेल में दोनों क्रोमोजोम अलग अलग होंगे सेम नहीं होंगे राइट तो ये बात हो गई इन अबाउट डिस्क्रप्शन यू हैव स्टडीड अबाउट टू टाइप ऑफ सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म एक्स नॉट यानी कि जहाँ पर मेल के अंदर सिर्फ एक्स जीरो था फीमेल के अंदर एक्स एक्स दोनों पेयर में थे या ह्यूमन बींग और ड्रोसोफिला एक्स वाई वाला बट इन बोथ केसेस मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स यानी कि एक्स क्रोमोजोम गैमेट होगा राइट अब इस केस में सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन उसको मेल हेट्रोगेटिक मेल के अंदर एक्स और वाई दोनों अलग अलग अलील से एक जीन के बर्ड्स के अंदर उल्टा है राइट right? कैसे उल्टा है कि वहां पे फीमेल हेट्रोगेटी है जैसा अभी हमने डायग्राम में देखा था और वहाँ पे हमने Z और W से इन क्रोमोसोम्स का नाम रखा है फीमेल के केस में तो ये तो हमारा बेसिक हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में फिर ह्यूमंस की बात करें और हनी बी की अगर हम बात करते हैं तो क्या है तो ह्यूमंस के अंदर हमने जैसा पहले ही बता दिया है कि एक्स वाई टाइप होगा आउट ऑफ ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट ट्वेंटी टू पेयर्स आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल्स उनको कहते हैं हम ओटोजोम एक्स क्रोमोजोम का फीमेल में पेयर है और मेल में एक्स और वाई है स्पोमेटोजेनासिस के दौरान 50 परसेंट स्पॉम को एक्स मिलेगा और 50 परसेंट को वाई मिलेगा और फीमेल जो है वो हमेशा ए ही प्रोड्यूस करेंगे दैट इज एक्सक्रोम तो इन सब बातों से क्या समझ में आता है कि अगर स्पॉम एक्सक्रोम लेके एक के पास आएगा तो फीमेल बनेगी और वाई लेके आएगा तो मेल इससे हमें पता चलता है कि मेल पार्टनर जो है जो स्पॉम्स हैं वो डिसाइड करते हैं सेक्स ऑफ द चाइल्ड को हालांकि हमारी सोसाइटी अभी भी फीमेल्स को ब्लेम करती है तो मेल का तो सिंपल है फीमेल की अगर हम हनी बी की बात करते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इंडिविजुअल रिसीव हनी बी की अगर हम केस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये बेस इस बेसिस पर होता है कि क्रोमोजोम जो है कितने क्रोमोजोम एक इंडिविजुअल रिसीव करेगा एनास्परिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ इस एंड एग डेवलप एज अ फीमेल द सेक्स एटमेशन हनी बी इज बेज दंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स जो कि एक इंडिविजुअल रिसीव करता है एंड ऑफ स्प्रिंग फॉर्मड फ्राम द यूनियन ऑफ एस वग राइट अगर ऑफ स्प्रिंग में मेल और फीमेल दोनों का कंट्रीब्यूशन है तो उससे क्या बनेगा क्वीनिया वर्कर बनेगी अनफर्टिलाइज एग यानी कि जिसमें सिर्फ फीमेल है और कोई चीज़ मेल ने कोई साथ नहीं दिया वहाँ पर ड्रोन बनेंगे दिस मीन दैट मेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम द अंदर टू फीमेल क्योंकि मेल के अंदर तो सिर्फ फीमेल के क्रोमोजोम आएंगे फीमेल्स आर डिप्लॉयड हैविंग थर्टी टू क्रोमोजोम्स एंड मेल्स आर हैप्लॉयड और मेल क्या होते हैंड होते हैं क्योंकि फीमेल कब बनेगी जब कभी भी क्या होगा दो क्रोमोजोम्स फ्यूज करेंगे यानी कि दो स्वामोर एक दोनों फ्यूज करेंगे तो फीमेल बनेगी तो उसमें डबल क्रोमोजोम होगा मेल्स अनफर्टिलाइज एक्स से बनेगा तो वो सिंगल क्रोमोजोम होगा दिस इज कॉल्ड हैप्लोड्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम राइट right? इसके अंदर खास बात क्या है कि जो मेल है जो ड्रोन है वो सब हमको कैसे प्रोड्यूस करेंगे माइटोसिस से क्योंकि वो बेचारे क्या हैं हैप्लॉइड है राइट है right? क्योंकि वो बेचारे क्या हैं है जिसके कारण हम बोलते हैं फिगर 5.13 को अगर हम देखना चाहें तो कि फीमेल ने मियोसिस की और दो गैमिट्स बनाए मेल बनेगा तो सिर्फ सिक्सटीन मेल ने सिक्सटीन से माइटोसिस करके बनाए तो जब मेल और फीमेल कंबाइन करेंगे तो फीमेल के कितने बनेंगे थर्टी टू राइट क्योंकि उसमें दोनों की फ्यूजन हो जाएगी तो हम बोलते हैं कि दे डो नॉट हैव फादर मेल्स के कोई पिता तो नहीं थे क्यों नहीं थे मेल्स के पिता क्योंकि मेल सिर्फ एग से बना होता है राइट right? तो हम बोल सकते हैं कि मेल्स दे डो नॉट हैव फादर राइट एंड थर्स दे के नॉट है तो उनके बच्चे भी नहीं हो सकते क्योंकि वो जब कभी भी मर्ज करेंगे इसके साथ इंटरैक्ट करेंगे फीमेल के साथ तो फिर बेटा बनेगा ही नहीं फिर तो फीमेल ही बनेगी बट हैव ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन्स लेकिन ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन्स हो सकते हैं इस केस में हाउ इज द सेक्स डिटमिनेशन डिफरेंट इन बर्ड्स इज द स्पर्म और एग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ चीक्स तो अगर आप बर्ड्स की बात करोगे तो कॉमन बात है कि एग जो है जो फीमेल कैंडिडेट है वो रिस्पॉन्सिबल होगी उस बार सेक्स डिटरमाइन करने के लिए Thank you so much for watching, keep supporting us.